रला सो माई डियर स्टूडेंट आज मैं इतनी स्पिडअप uh, होकर के इसी आई हूं यहाँ पर क्योंकि आज इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है यहाँ पर हम इसके रिव्यूज जरूर से जरूर आपको बताना चाहेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स कैसे हैं इस यूनिवर्सिटी के उसके बारे में भी बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं लिस्ट

यहां पर आप देख सकते हो ऑल टोटल पंद्रह यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इन पंद्रह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिसका स्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ 2009 एक्ट नंबर no. 25 ओके okay, फिर अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं एंड दिस इज समथिंग कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता भी होनी चाहिए राइट इफ वी टॉक अबाउट दैट हाउ मेनी सीट्स आर देयर कितनी सीट्स हैं यहां पर तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बताना चाहूंगी सीट्स के साथ साथ कितनी फैकलिटीज यहां पर अवेलेबल हैं राइट right? ये कैंपस एरिया कितना है इसका इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे सो so, आपको बताती चलूं केरला में कसरगोड कसर गौड़ बोलते हो आप यहाँ पे कसर गौड़ गया है गौ गया है इन इंग्लिश बट कसर गौड़ बोलते हैं इसको ठीक है तो कसारोड़ भी कुछ लोग बोलते हैं कसर गौड़ भी बोलते हैं अलग अलग लोग अलग अलग, अलग प्रोनाउंसिएशन लेते हैं तो ये आपका थ्री हंड्रेड टेन एकर्स में बना हुआ है इसका कैंपस ये यूनिवर्सिटी टोटल पचास कोर्सेज आपको ऑफर करती है इस यूनिवर्सिटी में जो फैकेलेटीज़ हैं वो ऑल टोटल वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन है और यहाँ पर जो सीट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती हैं वो टू थाउजेंड सिक्सटी टू रहती हैं सो जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना अपने आप में एक बड़ी ही बात होती है

अच्छा आपको बताती चलू एज आई टोल्ड यू कि आज इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है दैट कि इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा आप क्लिक कर देंगे जहां पर ये लिखा हुआ है क्लिक हि टू रजिस्टर ऑनलाइन आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन ये इसका पेज एक्चुअल पेज है मैं आपको बता भी दूंगी कि आपको सर्च कैसे करना है आपको एक और चीज बताती चलू इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड बाई नैक एंड इट गॉट ए ग्रेड जो अपने आप में बड़ी बात है जल्द ही ये अपनी पोजिशन्स को और भी बढ़ाएगा अच्छा आपको एक और चीज़ बताती चलूँ बहुत सारे बच्चे कभी कभी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वहां पर उन लोगों को हॉस्टल्स मिल जाए सो so, हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर ये यह प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन्स में भी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं हॉस्टल का नेम है कबानी टू टोटल कैपेसिटी है यहाँ की वुमेन की नीला 214 पांबा 200 तो टोटल एक ठीक है ऑल टोटल आपके पास यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं फॉर वुमेन बॉयज के लिए दो यहाँ पर आपको हॉस्टल्स देखने के लिए मिलते हैं पेरियर और नयर ठीक है सो 600 और 200 आपका यहाँ का कैपेसिटी है ऑल टोटल 800 का है मुझे स्माइल इसलिए आई क्योंकि नयर इज द नेम ऑफ माई फादर ऑल्सो ठीक है खैर अब यहां तक हम लोगों ने आपको बता दिया अब आपने करना क्या है आप जैसे ही केरला की एक्चुअल साइट पर जाएंगे आपको एडमिशंस पे जाना है जाकर के आपको क्लिक करना है फॉर दस क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफ़ यूजी एडमिशन 2022 मैं आपको ये भी बता दूंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भाई जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सी यू ई टी के अंडर हैं सी यू ई टी का एग्जाम जो है आपने अगर दिया है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा सकते हो बट कोर्सेज वाइज मैटर करता है कि कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हो यहाँ पर गिने चुने सिर्फ दो कोर्सेज हैं जो सी यू ई टी के थ्रू ये प्रोवाइड कर रही है ठीक है ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं आपका इसका तो आपका ट्वेंटी से स्टार्ट हुआ था ये और थर्टी सेप्टेम्बर इसकी लास्ट डेट बताई गई है दस बजे तक यानी कि आज शाम दस बजे तक का आपके पास समय है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गिन चुन करके इन्होंने दो ही दिन का समय दिया था क्यों क्योंकि लिस्ट ऑफ कोर्सेज कम है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज इन्होंने आपके लिए अवेलेबल करवाए हुए हैं एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में चेक करना है कि सीयूईटी के थ्रू वो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तो आप चले जाएं सी यू ई डॉट समर् डॉट ए सी डॉट इन पर जाकर के यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करें इस नेम सर्च कर लें आपको मिल जाएगा आप ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की हम बात कर रहे हैं डिग्री यहाँ पर एक बैचलर डिग्री ये प्रोवाइड कर रहे हैं बी ए इंटर... इंटरनेशनल रिलेशन में और दूसरा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये इन लाइफ स्किल्स में सो so, दो ही कोर्सेज हैं आपको जो यहां पर मिल रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक में आपने क्या क्या दिया होना चाहिए या आपने लैंग्वेज टेस्ट कौन सा दिया होना चाहिए या फिर आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया गया सो डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम्स आपने सी में क्या क्या दिया होना चाहिए अगर आप बी इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपने दी होनी चाहिए एज लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दिया तो आप नहीं जा सकते

इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जाना चाहते हैं बी इन इंटरनेशनल रिलेशन करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो डेफिनेटली स्कोर्स के लिए जा सकते हैं बट आपके पास क्लास ट्वेल्थ में पचास परसेंट नंबर होने चाहिए और पांच परसेंट तक का रिलैक्सेशन इन्होंने एस सी वालों को दिया है यानी कि फोर्टी भी अगर आपके मार्क्स होंगे टेंथ और ट्वेल्थ में सॉरी टेन प्लस टू यानी कि ट्वेल्थ में तो आप इसके लिए जा सकते हो अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड नाइनटीन ईयर्स ऑफ एज एज़ ऑन वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपकी उम्र उन्नीस साल से ज़्यादा की या 19 साल नहीं होनी चाहिए इन्होंने यहाँ पर एक डेट दे दी है टेंटेटिव डिल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरल टेस्ट और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए जो आपको लाइफ स्किल्स में मिल रहा है इसके लिए आपको ट्वेल्थ तो मांगा ही मांगा है या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो ट्वेल्थ लाइक अगर आपने साइंस से किया हुआ है कॉमर्स से किया हुआ है आर्ट्स से किया हुआ है सब चलेगा ठीक है और इन्होंने यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं दिया आपका जब जितना एज जो डजेंट मैटर ठीक है so, सो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास और बहुत कम हैं गिनी चुनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आपको यही प्रोवाइड करती है ठीक अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे बेटा तो मैं आपको दिखा ही देती हूं यहां पर ये तो आप देख सकते हैं ये ये फी स्ट्रक्चर है अभी मैं बात करूंगी इसकी भी फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहां पे मैं टाइप कर देती हूं अगर चल रहा होगा ये बिल्कुल चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ओके तो हम यहां पर ये आपकी पहली ही साइट ओपन हो गई है आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है आपके पास ऑप्शन आप चाहें तो डायरेक्टली इससे भी जा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो सीधे आप एडमिशन्स पर पहुंच जाएंगे अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ ना हो या कुछ भी वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप एडमिशन से भी जा सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर ही दिखाई देगा यू जी पी जी एडमिशन न्यू ठीक है यहाँ पर आपको डेट दी गई है इंपॉर्टेंट डेट आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर जाकर के आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बाकी आपसे ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं मैं एक ओपन करके भी दिखा देती हूँ इफ़ आई गेट दिस चांस देखें पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया इस तरह का होना चाहिए सो so, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं आप एक बार उसको जरूर जरूर से जुरू चेक कर लें कि उन्होंने फॉर्मेट क्या दिया हुआ है आपका डॉक्यूमेंट का क्योंकि बट फायदे तो मिलते ही हैं राइट अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आपका पीडब्ल्यू हो तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा बट तो फॉर्मेट याद रखिएगा नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आउट हो जाओगे सो so, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ठीक है सो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली अब हम जरा आएंगे एक और चीज़ के ऊपर जो बहुत जरूरी है थोड़े से रिव्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर तो मैं रिव्यूज़ पे सबसे पहले आना चाहूंगी रिव्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की ऑल टोटल जो रेटिंग है वो 3.8 है बहुत वाओ भी नहीं बोलेंगे बट या नॉट दैट टू बैड आल्सो राइट प्लेसमेंट में इसको 3.0 पॉइंट uh, दिया गया है दैट इज आल्सो लाइक गुड टू थाउजेंड नाइन का स्टेबलिशमेंट के हिसाब से इट इज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला हुआ है फोर मार्क्स मिला हुआ है दैट इज गुड आपको पहले पहले भी ये चीज़ बताई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कभी भी अगर आप फैकल्टी और करिकुलम में जाओगे कोर्स स्ट्रक्चर्स में जाओगे तो आपको वो बेस्ट मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए आप 4.3 रेटिंग है जो कि सब में से सबसे बेस्ट है क्राउड और कैंपस लाइफ भी इसका ठीक ठाक रेट किया गया थ्री पॉइंट रेट किया गया वैल्यू फॉर मनी तो है ही भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वैल्यू फॉर मनी तो होगा ही राइट फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स की कि प्लेसमेंट्स किस लेवल पर आपको यहां पर अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं सो तो आप यहाँ पर देखें ये पूरा चार्ट आपको दिया गया है टू थाउजेंड और ट्वेंटी का एंड यू कैन सी द दिन ऑल्सो

राइट एक्चुअली में यूजी की इन्होंने सैलरी पैकेज नहीं प्रोवाइड करी है आप लोगों को बट हाँ पीजी की आप सैलरी पैकेज यहाँ पर देख सकते हो एनुअल पैकेज आई वुड से ये देखें। ये है एनुअल पैकेज ऑफ पीजी पीजी जो इयर्स का करके गए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट छह सौ बावन थे देखें आप कितना अच्छा रिकॉर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस थ्री थर्टी हुए थे थ्री पॉइंट फोर लैक ऑल टोटल मैक्सिमम पैकेज इनका गया है ठीक है बाकी आप और देखना चाहें यहाँ पर तो अलग अलग आप देख सकते हैं आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं ये देखें तो ये है द डिटेल्स ऑफ सी यू केरला पी जी टू ईयर्स कोर्स प्लेसमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइव फोर्टी सिक्स स्टूडेंट्स थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्सटी टू प्लेसड हुए थे नाइनटीन में 22 में 525 स्टूडेंट थे 80 प्लेस हुए और आप 21 का डेटा देख रहे हैं 330 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एवरेज पैकेज दिया गया वरना यहाँ पे 10 लाख तक और 8 लाख तक भी लोग पहुंचे हैं स्टार्टिंग ही पैकेज आपको इतना अच्छा मिल रहा है जो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी ठीक है चले तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखा देती हूँ फीस और कोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर सो so, ये है फीस स्ट्रक्चर यहाँ का जो आप देख सकते हो मल्टीपल कोर्सेज है मल्टीपल कोर्सेज के लिए अलग अलग आपका फीस स्ट्रक्चर है अच्छा आपको ये बताती चलूँ की बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो प्लीज गो एंड चेक फॉर दी कोर्सेज फी क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ये देखिए पूरा फीस स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ओ बी सी एन सी एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीस प्रोवाइड करी गई है ठीक है ये देखिए आप रजिस्ट्रेशन फी 300 हंड्रेड है आइडेंटिटी कार्ड फी मतलब अलग अलग फीसेस इन्होंने चार्ज करी हैं और अगर आप ऑल टोटल देखोगे तो ग्यारह हजार बीस के आसपास इनका ऑल टोटल चार्जेस पड़ रहा है फिर आप देखिए जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस 300 है और एस सी एस टी के लिए 150 है ठीक है ये इन्होंने एम एस सी प्रोग्राम्स के लिए दिया हुआ है ऊपर वाला देखेंगे आप तो ये इन्होंने पीजी प्रोग्राम्स के लिए दे रखा है ठीक है सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर ये यूजी प्रोग्राम्स के लिए अभी मैं बी आपको दिखा रही थी इन वो इन इंटरनेशनल ठीक है पॉलिटिक्स तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो फीस स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए बी ए इन इंटरनेशनल रिलेशन सॉरी तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरह का आपको दिया जा रहा है तो बी की फीस इन्होंने यहाँ पर आपको बताई हुई है कि जनरल्स के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो तीन है एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए एटी है बाकी किसी में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है ऑल टोटल आपको ये सात ठीक है के e. के लिए और 7, किसके लिए पड़े के लिए पड़ेगी 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 और रुपए किसके जनरल कैंडिडेट्स सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को क्लैरिटी यहां तक मिल गया होगा अगर किसी तरह का कोई और कंफ्यूजन है कोई चीज ऐसी है जो आपके मन में है आप पूछना चाहते हैं यहाँ पे तो आप जरूर से जरूर पूछ सकते हैं बाकी ये मैं लिंक कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दू जहां पर आप यहाँ पे पिछले कट ऑफ चेक कर सकते हो और कोर्सेज और फीस के बारे में जो डायरेक्ट इंटरनल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके बारे में चेक कर सकते हो कि उसकी फीस वगैरह कितनी है कंपैरिजन करना है बाकी यूनिवर्सिटीज से तो भी कर सकते हो विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन बट स्टिल आई वोट अ से अगर आपके पास किसी तरह का कोई सवाल है कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे यहाँ पर पूछना चाहते हैं आप जरूर से जरूर हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू एवरी वन बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल